क्या नेचुरल गैस के अंदर होने वाली है बड़ी भयानक गिरावट दोस्तों, जानेंगे यह वीडियो के अंदर। संकेत जो है वो कुछ थोड़े से खराब मिल रहा है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, पूरा डिटेल में हम जानेंगे यहाँ पर। वीडियो के अंदर बने रहे। तो पहला सपोर्ट निकल के आता है 550.60 का लेवल। अगर हम ये वाला एरिया जो है वो सपोर्ट जोन की तरह ले सकते हैं 545.30, मतलब 550 से लेके 545, मोटा मोटी ये 5-5.5 पॉइंट का जो रेंज है वो हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर हम ये वाला एरिया जो है वो काटते हैं तो यहाँ से गिरावट हो सकती है। तो ये सपोर्ट जोन के ऊपर खास ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट जोन है वो आपने नोट किया हो तो काफ़ी बढ़िया जो है वो वर्क करता है। लास्ट वीक के अंदर जो है वो कौन से सपोर्ट जोन की बात की थी अगर आपको याद हो तो बताना। लास्ट वीक के अंदर हमने ये बात की थी कि 485 से 475 जो है वो काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल काटता नहीं है तब तक नीचे की जो है वो डाउन साइड जो है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 488 का जो है वो उसने लो लगाया और तुरंत जो है वो उसने 572 के आसपास जो है वो हाई भी लगाया। फ्रॉम लाइव मार्केट करके एक प्लेलिस्ट है हमारा, वहाँ पर छोटा सा अपडेट भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो अगर हम ये सपोर्ट जोन को काटते हैं, ध्यान रखना 545 का काटने का मतलब है 532, 520, 506.70 से लेके वापस से ये जो उसने लो लगाया था उसके आसपास जा सकते हैं 488। इस बार अगर ये 485, 475 जो सपोर्ट जोन है दोस्तों वो काटता है, इन छोटा 500 का एरिया भी, मान लो 500 का एरिया भी अगर ये काट देता है और उसके नीचे चलते हैं हम, तो यहाँ से बड़ी भयानक गिरावट हो सकती है। फिर जो है वो 485, 475, 455 से लेके 430 का जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है, और करीबन करीबन 400 से लेके 410 का जो एरिया है वो भी हमें ये दिखा सकता है। कंडीशन अप्लाई 500 के नीचे जो है वो रुकना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों आप खास ध्यान रखें कि अगर ये सपोर्ट जोन को काटता है तो दिक्कत हो सकती है। करेक्शन के अंदर जो है वो ये बिल्कुल एंटर कर चुका है, अब ये नॉर्मल करेक्शन है, उसका ब्रेकआउट कब आएगा उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि कब जो है वो उसका ब्रेकआउट हो सकता है। तो अब जो है वो हमारे लिए पहला लेवल रहेगा 565 के आसपास, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये वाला एरिया जो है वो काटते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है और हम दोबारा जो है वो 572 के आसपास जा सकते हैं। वो लेवल काटते हैं तो करीबन करीबन 584 का जो एरिया है वो भी देखने को मिल सकता है और जो है वो 597 का जो एरिया है वो भी देखने को मिल सकता है। 600 का जो एरिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब तक ये 600 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करता है तब तक जो है वो हमें बाय से बचना चाहिए। हाँ, अब इंट्राडे के अंदर जो है वो ठीक है 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे काम ले सकते हो वो अलग बात है, लेकिन पोजिशनल व्यू की बात कर रहा हूँ। पोजिशनल जो है वो अब ख़राब हो सकता है 545 के नीचे और अच्छा बनेगा 600 के ऊपर। जब ये 600 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो 615, 625, 640 से लेकर 650 के जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है। 650 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, 650 के ऊपर जाके रुकने का मतलब है काफ़ी बड़ी अपमूव हो सकती है। लगभग लगभग जो है वो 750 से लेके 800 का जो लेवल है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों ध्यान रखें, और जो छोटे छोटे ट्रेड होते हैं जिसके अंदर इंट्राडे की ट्रिक भी अगर आपको सीखनी हो तो हमारा जो ऑनलाइन कैंडलस्टिक कोर्स है जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो लिंक ओपन करके आपको इंट्राडे में जो है वो 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट कहाँ से मिल सके, कैसे मिले, वो पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों वीकली अपडेट के अंदर पूरा आपको जानकारी दे देता हूँ, अगर आप वीडियो ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको पूरी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करें और फ्रॉम लाइव मार्केट जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको भी जाके देखिए दोस्तों, ताकि जो है वो आपको आइडिया होगा कि हम जो है वो वीकली बेसिस पे क्या बात करते हैं और क्या होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।